मंगल भवन अमंगल हारी, दवहु सुदशरथ अचर बिहारी, सजीवन साज समाज प्रभु, बनिता बंधु समेत, वंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। निक शिव श्रेष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दव हारे, कह प्रिय वचन सभी समझाए, विप्रविंद रघुवीर बुलाए, गुरु सन कही वर्षासन दीने, आदर दान दीने वो कीने, जाचक दान मान संतोषे, नीति पुनीत प्रीति परितोषे, दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपे बोले कर जोरी, सब कर सार संभार गोसाई, करव जनक जननी की राई, बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मेदवानी, सोई सब भांति मोरे हितकारी, चहते रहे भुआल सुखारी, मातु सकल मोरे विरह, जहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करब सब, पुरजन परम प्रवीण सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। यही विधि राम सबही समझावा, गुरु पद पदम हर्ष शिरनावा, गणपति गौरी गरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई, राम चलते अति भयो विषाद, सुनी न जाए पुर आरत नाद, कुसुगन लंक अवध अति शोक, हर्ष विषाद विवश सुर लोक, गई मूषा तब भूपति जागे, बोले सुमंत कहने अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, कही सुख लागी रहत तनु माही, यह ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तही तनु प्राणा, उन्हीं धर धीर कहीं नर नाहू, ले रख संग सखा तुम जाहू, सुखी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई दिखराई वन, फिर हो गए दिन चार सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। जो नहीं फिर ही धीर धो भाई, सत्य सिंधु दृढ़वत रघुराई, तो तुम विनय करे हो कर जोरी, फिर प्रभु मिथिलेश किशोरी, जब सिय कानन देखी डराई, कहो मोर सिख अवसर पाई, सासु ससुर अस कहो संदेश, पुत्री फिरे मन बहुत कलेश, पिता गह कबहु कबहु ससुरारी, रह जहाँ रुचि होई तुम्हारी,
पछुन बसाए भयो विधि रामा अस कही मूश परे ओ महराऊ राम लक्षण सिए आन देखाऊ पाए रजाए उस नाई शिर रथ अति बेग बनाए कई जहां बाहर नगर सिया सहित दो भाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम। तब सुमंत लिप वचन सुनाए करि बिनती रथ राम चढ़ाए चले रथ सिए सहित दो भाई चले हरष अवधि शिर राई चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोग सब लागे साथा कृपा सिंधु बहु विधि समझा वही फिर ही प्रेम वश पुने फिर आवही लागत अवध भयानक भारी माने काल राति अंधियारी घोर जंतु सब पुर नर नारी डर पहिए कहीं एक निहारी घर मशान परिजन जन भूता सुत हित मीत मनह जमरूता बागन विटप बेली कमलाही सरित सरोवर देख ना जाही हरे गए कोटिन केल मृग पुर पशु चातक मोर पिकरंथा कशुक सारिका सारस हंस चकोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम। राम विजोग विकल सब ठाड़े यह तह मन चित्र लिखे काड़े नगर सकल बन घर हव भारी खग मेघ विकल सकल नर नारी विधि कह कई किरातनी कीनी यही तब दुसे दशहु दिश दीनी सह न सके रघुवर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी सब ही विचार कीन मन माही राम लखन सिए बिन सुख राही जहाँ राम कह सकल समाज बिन रघुवीर अवध कही काज चले साथ अस मंत्र त्रिणाई सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई राम चरण पंकज प्रिय चिन्ही विषय भोग वश कर कीत नहीं बालक वेद विहाय ग्रह लगे लोग सब साथ तम सातीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम। रघुपति प्रजा प्रेम वश देखी सदैव दुख भयो विष की करुणा में रघुनाथ गोसाई बेगी पाए अही पीर पराई कहस प्रेम विद वचन सुहाए बहु विधि राम लोग समझाए किए धर्म उपदेश खनेरे लोग प्रेम वश फिर ही ना
भय रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति होई। जब ही जाम जुग यामिन बीती, राम सचिव सन कहो सुप्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहुता ता, आन उपाय बनह नहीं वाता। राम लक्ष्मण सिए जान चढ़ी, शंभु चरण शिर नाई। सचिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम, जागे सकल लोग भय भारू। गे रघुवीर भयो छोर, रथ कर खोज कताहु नहीं पावही। राम राम कह चाह देश रावही। मन हो भार निधि भूल जहाज, भय विकल जन बनित समाज। एक ही एक देही उपदेश, तजो राम हन जान कैशु। निंद ही आप सराह ही मीना, दिग जीवन रघुवीर वहीना। जो पे प्रिय विजोग विधि कीना, तो उसका स्मरण न मांगे दीना। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाए बखाना, अवधि आश राखे ही सब प्राणा। राम दरस हित नेम वर्त, लगे करन नर नारी। मन कोक कोकी कमल, दीन बहीन तुमार सियावर। प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। सीता सचिव सहित दाऊ भाई, सिंहवीरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेखी। लक्ष्मण सचिव सिए कीन प्रणाम, सब ही भांति सुख पायो रामा। गंग सकल मद मंगल मूला, सब सुख कर हरन सब शूला। कह कह कोटिक कथा प्रसंग, राम विलोकित गंग तरंगा। सच वही अनुज प्रिय ही सुनाई, विविध नदी महमा अधिकाई। मंजन कीन पंथ श्रम गयु, शुचि जल पियत मदित मन भयु। सुमरत जाहि मिटम भ्रम भार, तहि श्रम ये लौकिक व्यवहार। शुद्ध सच्चिदानंदमय, राम भानु कुल के तू। चरित करत कर अनुहरत, संस्कृति सागर से तुसियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता यह सुधि ग्रह निषाद। जब पाई मुदित लय प्रिय बंध बोलाई। लय फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ये हर्ष अपारा। करी दंडवत भेंट
जिसने हमें बस रघुनाई, पूछत कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन रेखे, देव धन धन नाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, कृपा करे अपुर धरे उपां, थापियो जन सब लोग सिहां, कहो सत सब सखा सुजाना, मोहे दीन पितु आयुस आना, वर्ष चारी दश वास वन, मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, ग्रह उदयो दुख भार सियावर, राम जय जय राम, गिरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। इस प्रकार वन का साज सजा श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ गुरु और ब्राह्मणों को प्रणाम कर तथा सबको अचेत कर प्रभु अयोध्या से चल पड़े। वशिष्ठ जी निकलकर बाहर खड़े हुए देखा तो लोग विरह के धनवल से दहन हो रहे हैं। तब मीठी वाणी कहकर सबको समझाए। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण वृंदों को बुलाया, गुरु वशिष्ठ से कहकर सादर विनय पूर्वक उन्हें 14 वर्ष के लिए भोजन दिलाए और जाचकों को भी दान मान से संतुष्ट कर पवित्र प्रीति और नीति से सबको संतुष्ट किया। फिर दास और दासियों को बुलाकर गुरु को सौंप दिया और हाथ जोड़ के गुरु से कहा कि हे स्वामी, जैसे माता पिता अपनी संतान की सार संभाल करते हैं, ऐसे ही आप इनका भार संभाल करना। श्री रामचंद्र जी बारंबार हाथ जोड़ सबसे मीठी वाणी से कहने लगे, हे भाइयों, मेरा वही सब प्रकार से हितकारी है जिससे राजा सुखी रहे। फिर हे प्रवीण गुरुजन, आप सब लोग मिलकर वही उपाय करना कि जिस प्रकार सभी माताएं मेरे विरह से व्याकुल दीन और दुखी ना होने पावे। इस प्रकार सबको समझाकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर गुरु के चरण कमलों की वंदना की, पश्चात गणपति गौरी महादेव जी को मनाया और आशीर्वाद ले चल दिए। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा दुख छा गया। नगर के लोगों को अत्यानंद सुना ही नहीं जाता था। लंका में अपशकुन और अयोध्या में बड़ा शोक हुआ। देवताओं में भी हर्ष और शोक छा गया। उसी समय दशरथ जी मूषा से जागे तो सुमंत को बुलाकर कहने लगे, राम के वन में जाने पर भी ये प्राण नहीं निकले तो अभी ये किस सुख के लिए शरीर में पड़े हैं? इससे बढ़कर दूसरा दुख कौन है कि जिसको पाकर ये प्राण शरीर को छोड़ेंगे? फिर धैर्य धारण कर राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। ये दोनों कुंवर राम लक्ष्मण बहुत सुकुमार हैं, सीता भी अत्यंत सुकुमारी है, इसलिए तुम इन्हें रथ पर चढ़ा वन को दिखाकर 4 दिन वन में फिरा के फिर लौटाओ, और यदि सत्य के सागर और दृढ़ प्रतीक दोनों भाई ना लौटे तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना, ज्यों त्यों करके सीता को अवश्य लौटा ले आना। राम सीता को अवश्य ही लौटा देंगे। और देखो, जब सीता वन को देखकर डरे तभी अवसर पाकर मेरी ये बात कहना कि तुम्हारी सासू और ससुर ने कहा संदेश कहलाया है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है, कभी पिता के घर कभी ससुराल में, जहां तुम्हारी जैसी इच्छा हो रहना, इस तरह के अनेक उपाय करना जो सीता लौट आवे तो मेरे प्राणों को बड़ा सहारा होवे, नहीं तो प्रणाम स्वरूप मेरी मृत्यु है, कुछ वश नहीं चलता, ब्रह्मा उल्टा हो गया है। हे सखा, सीता राम लक्ष्मण को मुझे लाकर दिखा, ऐसा ये राज दशरथ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब राजा की आज्ञा पर सिर निवा बड़ा बेग वाला तथा तैयार कर सुमंत वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंच सुमंत ने राजा के वचन सुनाए और विनती करके राम को रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अवध को प्रणाम कर हर्षित हो चल दिए। राम को जाते देख अयोध्या नाथ हो गई। सब लोग व्याकुल हो राम के साथ जा लगे। कृपा सिंधु राम उन्हें अनेक प्रकार से समझाते, सो पीछे फिरते भी हैं पर प्रेमवश फिर दौड़े आते हैं। उस समय अयोध्या कैसे भयानक लगती थी कि मानो मूर्ति मान अंधेरी काल लाती है। पूर्व के नर नारी मानो भयानक जीव जंतु हैं जो एक एक को देखकर डरते हैं। घर शमशान के समान, परिचित भूतों के समान और पुत्र हितेशी व मित्र मानो यमराज के दूतों के समान दिखते हैं। बाग में पेड़ लता कुमला रही हैं, नदियां और तालाबों को देखा नहीं जाता। करोड़ों हाथी घोड़े पुर के मर चातक मोर कोकिला चकवा तोता मैना सारस हंस और चकोर सभी राम के वियोग से विकल हो मानो लिखे
लिखे हुए चित्र के समान जहाँ तहाँ खड़े थे। सारा नगर मानो भारी गहन बन गया है। पशु पक्षी और नगर के नर नारी सबल विकल हो गए। विधाता ने ककई को भिन्नी बनाकर उनके साथ नगर के चारों ओर से दुसह दानावल लगा दिया है। रामचंद्र के इस वियोग को कोई सहन नहीं कर सकता। सब लोग व्याकुल होकर भागे चले जाते हैं। तब सब लोगों को मन में विचार किया कि सीता राम और लक्ष्मण के बिना कहीं सुख नहीं है। जहाँ राम है वहीं सब सुख का समान है। बिना राम के ये अयोध्या किस काम की। ऐसा मंत्र निश्चय करके अपने भवन को जो देव भवन के समान है त्याग कर सब साथ चले। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ऐसी प्रीति है उनको विषय भोग कैसे वश में कर सकते हैं। इस प्रकार सभी लोग बालक और बूढ़ों को छोड़ राम जी के साथ चले। तब उनके साथ पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। उधर जब श्री रामचंद्र जी ने प्रजा को प्रेमवश देखा और करुणा हृदय उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी करुणामय है, वे प्रायः पीर को शीघ्र जानते हैं। तब प्रेम समेत कोमल और सुहावने वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अनेक प्रकार से समझाया, बहुत सा धर्म उपदेश दिया, परंतु प्रेम के वश लोग फिरने से नहीं फिरे। किंतु श्री रामचंद्र जी से नेक को नहीं त्याग सके, दुविधा के वश हो गए। जब शोक और प्रेम के वश हो लोग सो गए, तब देव माया ने भी उनकी विधि को मोहित कर लिया। तब दो प्रहर रात्रि बीत जाने पर राम ने सुमंत से प्रेम पूर्वक कहा कि हे तात, अब खोज मार के अर्थात रख के पहियों को निशान का पता न चले, इस प्रकार रथ को चलाओ, नहीं तो और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। फिर तो राम लक्ष्मण सीता शरण शिव जी के चरण कमल को प्रणाम कर रथ पर चढ़े। तब सुमंत ने इधर उधर खोज छुपा के रथ को शीघ्रता से हांक दिया। प्रातःकाल प्रभु के जाने पर सब लोग जागे तो बड़ा शोर करने लगे। रथ को बहुत खोजा पर पता न लगा। तब राम राम ऐसे कहकर चारों ओर दौड़ने लगे। कहीं नहीं पता लगने से ऐसे व्याकुल हो गए मानो समुद्र के बीच जहाज डूबते समय वानिक समाज विकल हो गया हो। एक एक उपदेश देने लगे, प्रभु को उपदेश समझ कर हमें छोड़ दिया है। लोग अपने को धिक्कारते हैं और मछली की सराहना करते हैं कि जो जल के बिना प्राण त्याग देती है। जब विधाता ने प्रिय का वियोग कर दिया है तो मांगने पर मौत क्यों नहीं देता है। इस प्रकार पर लाभ करते लोग दुखी हो अवध में आए। वह विषम वियोग कहाँ नहीं जाता। केवल अवधि की आशा से सबने प्राण की रक्षा की और प्रभु 14 वर्ष बाद पधारेंगे। प्रभु के विरह से नर नारी प्रभु के दर्शन निमित्त नियम और व्रत करने लगे और ऐसा दीन हो गया जैसे सूर्य के वियोग से चकवा चकवी और कमल मिला जाते हैं। इधर दोनों भाई श्री राम जानकी और सुमंत के सहित श्रृंग वेगपुर जा पहुंचे। वहां श्री गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतरकर विशेष हर्ष से दंडवत किए। फिर लक्ष्मण जी मंत्री सुमंत तथा सीता को प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को सब प्रकार से सुख पाया। श्री गंगा महारानी सर्व सुखदानी आनंद मंगल की मूल और समस्त शूल को हरने वाली है। इस प्रकार गंगा संबंधी करोड़ों कथाएं करते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा के तरंगों को देखने लगे। फिर उस देव नदी को अधिक महिमा को मंत्री सुमंत लक्ष्मण और प्रिय जानकी को सुनाने लगे। फिर स्नान कर श्रम रहित हुए और पवित्र जल पीते ही मन को प्रसन्न हो गया। जिस रामचंद्र जी को स्मरण करते ही संसार का भ्रम मिट जाता है उनका ये लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंदमय और संसार का सेतु होकर वे मनुष्य के समान लीला कर रहे थे कि जिससे जीवों को संसार सागर पार करने में कठिनाई ना पड़े। उधर जब निषादर जाकुल को समाचार मिला तो वे प्रसन्न होकर अपने प्रिय बंधुओं को साथ ले श्री रामचंद्र जी को भेंट करने के लिए फल मूल टोकरी में भरकर अपार हर्ष के साथ मिलने आए। निकट पहुंचकर भेंट आगे धर अत्यंत प्रेम से श्री रामचंद्र जी को दंडवत कर बड़े प्रेम से प्रभु को देखने लगे। सहस ने के विवश श्री रामचंद्र जी को अपने निकट बैठाकर कुशल समाचार पूछने लगे। निषाद ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन करके से मैं आज भाग्यशाली हुआ हूँ। ये पृथ्वी धन घर आपका ही है तो मैं कुटुंब आपका तुच्छ सेवक हूँ। अंत आप कृपा कर इस नगर में पदार्पण कीजिए और मुझे अपना सेवक स्थापित कीजिए जिससे सब लोग सहलावें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे चतुर सखा, आपने सब सत्य कहा किंतु मुझे तो पिता की दूसरी ही आज्ञा है। उनके अनुसार मुझे मुनियों के समान व्रत वेश भोजन करते हुए 14 वर्ष तक वन में वास करना चाहिए और ग्रामों में जाना निषेध है। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर ग्रह को बड़ा दुख हुआ।